नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के ऊपर। इस स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने का बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक अब इन्वेस्टर के जो पेशेंस है उसको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि पिछले एक मंथ की अगर बात की जाए तो स्टॉक में 3.10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की अगर बात करें तो 20% का डाउन साइड दोस्तों देखा गया है। कब ये ऊपर जाएगा, कब अदानी ग्रुप बाय करेगी, क्या करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दोस्तों, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बट अब आने वाले दिन शुगर सेक्टर के लिए और रेणुका शुगर के लिए अच्छे हो सकते हैं, ऐसा होप है दोस्तों। कैसे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। एक साल के अंदर भी देखेंगे तो 10% का नेगेटिव रिटर्न आया है, तो पेशेंस बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो दोस्तों इसके इन्वेस्टर है वो काफी आगे पीछे हो रहे कि इसमें करना क्या चाहिए। तो शुगर सेक्टर का अपडेट ले लेते हैं दोस्तों। पॉलिसी पोस्ट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, जहां पे इथेनॉल की बात हो रही है दोस्तों, और नया इथेनॉल जो शुगर का इथेनॉल पोर्टल है वो हो रहा है दोस्तों टू बूस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी। तो बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों, और इससे सारे शुगर सेक्टर में जो इथेनॉल प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, तो वहां पे आप देखेंगे प्रमोटर के पास होल्डिंग है 62.48, और मैं लगातार बता रहा हूँ कि आपको FII कंटिन्यूस बाई कर रही है दोस्तों। सितंबर 2020 से 1.38% था, फिर 1.39% हुआ, 1.42, 1.84, 1.61, 2.06, 2.12, और यहाँ पे 2.66, 4.08 है, और बाकी दोस्तों हर क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया बाई बन रहा है FII का। DI के पास होल्डिंग है 10.10% का, पब्लिक के पास होल्डिंग है 23.07% का। अगर यहाँ पे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये दोस्तों टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स में ग्रोथ आ रही है, वापसी हुई है कोरोना काल के बाद। सेल्स में 487 करोड़ का था, वो बढ़ के 5645 हुआ, उसका 6431 हुआ और 9021 हुआ। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पहले दोस्तों अच्छा था 2021 में, बट उसके बाद 6% का आ रहा है। पहले बहुत ज्यादा लॉस बना रही थी कंपनी, और उसके बाद अब लॉस जो है नॉमिनल हो रहे हैं दोस्तों, ज्यादा लॉसेस नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों मार्च 2023 में 9000 का दोस्तों सेल्स आया है, बट यहाँ पे आप देखेंगे लॉस ज्यादा है। उसके पीछे का रीजन था इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इस कंपनी का बहुत ही ज्यादा है। इंटरेस्ट क्यों ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंटरेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा डेब्ट जो है कंपनी का ज्यादा है। 5569 करोड़ का डेब्ट है, और ये बड़ा डेब्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो डेब्ट है वो इथेनॉल एक्सपांशन में लगाया है, और श्री रेणुका शुगर ने दोस्तों अभी कमिस कर दिया है दोस्तों एक्टिविटीज एक्सपांडेड इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी एट अथनी 300 KLPD टू 450 KLPD, और ये पुराना है दोस्तों। मुनाली में जो है दोस्तों वहां पे भी 120 KLPD से 500 KLPD किया, तो काफी बड़ा एक्सपांशन हुआ है, और आफ्टर जो कंप्लीशन हुआ है वो टोटल कैपेसिटी इंक्रीज हुई है 720 KLPD से 1250 KLPD। अगर आप बोले तो दोस्तों ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा का इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपांशन किया है। और हमने जो न्यूज देखा कि गवर्नमेंट का भी प्लान है इथेनॉल को बूस्ट करने का, तो ये सोने पे सुहागा ऑफर यहाँ पे गोयल जी ने दिया है। ये दोस्तों पुराना न्यूज है, ये जो न्यूज है दोस्तों फरवरी में आया था, बट अभी भी दोस्तों जो है उसका बैलेंस शीट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया है। अब इसका बैलेंस शीट के ऊपर अब जो दोस्तों जो क्वार्टरली रिजल्ट होगा वहां पे, इसमें क्वार्टरली रिजल्ट में हमें एक अच्छा बूस्ट अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्च के रिजल्ट में हमें नहीं देखने को मिला था, बट ये जून का रिजल्ट आएगा जहां पे डेफिनेटली हमें एक अच्छा अपसाइड जुलाई के रिजल्ट में देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। अगर वहां पे सेल्स में ग्रोथ दिखाता है और इम्प्रूविंग मार्जिन होता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट में भी वृद्धि आएगी और स्टॉक में भी वृद्धि आ सकती है। अब चलते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। अब चार्ट क्या बोल रहे हैं हमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्विंग लो से स्विंग हाई का जो कनेक्शन है वीकली चार्ट के ऊपर, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने निकाला है 38.2% का लेवल 40 का, जो काफी अहम है दोस्तों। ये लेवल को कंटिन्यूस दोस्तों पहले भी होल्ड कर चुका है, ये लेवल को ऐसे बोल सकते हैं मल्टीपल बॉटम बना है 40 का लेवल। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली ये लाइन है, उसको पकड़ के चलिए, ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट ली रहा है स्टॉक ने, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे टच किया था, उसके बाद एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम 50 का लेवल दिखाया था, यहाँ पे नीचे आया नहीं है, बट यहाँ पे आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है दोस्तों। अब
ये रेंज जो है दोस्तों, आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहो तो 40 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ऊपर 50 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और ये जो दोस्तों जैसे ही 50 का लेवल तोड़ेगा तो हमें बहुत ही बढ़िया अपसाइड मोमेंटम ये स्टॉक दिखा सकता है और हमें 63 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब क्वार्टरली रिजल्ट कैसा रहता है उसके ऊपर है, बट दोस्तों काफी टाइम से स्टॉक चला नहीं है और ये स्टॉक जब भी चलता है तब आप सबको पता है कि कंटिन्यूस 2-3 बड़े कैंडल दिखाता है और तुरंत अपसाइड मोमेंटम दिखा देता है। तो यहाँ पे भी एक ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे नीचे से एक बार ऊपर जाना स्टार्ट किया तो एक अच्छी खासी दोस्तों रैली हमें देखने को मिल सकती है। अगर 40 के लेवल को तोड़ दिया जाता है किसी भी तरह से तो स्टॉक में एक अच्छा डाउन साइड भी दिख सकता है। अदानी बाय करेंगे कि नहीं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्योंकि 2018 के बाद कोई न्यूज नहीं आई है और ऐसा कंपनी के एंड से कोई भी अपडेट्स नहीं आया हुआ है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये जो है दोस्तों जब भी मार्केट में स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम आती है तभी ये रूमर्स फैलाई जाती है, बट हाँ अगर अदानी ग्रुप बाय करती है तो एक अच्छी रैली बनने की संभावनाएं बन सकती है क्योंकि जो विलमार ग्रुप है दोस्तों वो सेम है दोस्तों, विलमार शुगर होल्डिंग है थ्रू द अदानी विलमार है दोस्तों। तो ये श्री रेणुका शुगर और उनका दोस्तों काफी अच्छा खासा दोस्तों बोल सकते हैं बिजनेस में काफी अच्छा हो सकता है और कभी ना कभी दोस्तों ऐसा दिन आ सकता है कि हमें वो बाय करते हुए नजर में आएंगे, बट अभी के फिलहाल कोई BSE के ऊपर कोई न्यूज नहीं है। तो आपके क्वेश्चन के ऊपर जो दोस्तों था कि अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट के चांसेस बन सकते हैं इथेनॉल कैपेसिटी के चलते हुए। गवर्नमेंट का फोकस है दोस्तों 10% से 20% इथेनॉल ब्लीडिंग को ले जाना और वहां पे कंपनी उसी हिसाब से एक्सपांशन भी बढ़ाया है दोस्तों, ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा का एक्सपांशन कैपेसिटी का किया है। तो इसके वजह से यहाँ पे दोस्तों सेल्स में ग्रोथ आएगा दोस्तों, इंटरेस्ट में कमी आएगी क्योंकि डेट पे होगा और आपको नेट प्रॉफिट में प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों 1-2 क्वार्टर के बाद ये स्टॉक रॉकेट बनने की गुंजाइश रख सकता है, ऐसे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका एनालिसिस क्या बोलता है वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया था, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। धन्यवाद।